दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, जिसको समझा वही बेवफा हो गया। याद नहीं कोई पर थर की मूरत नहीं, याद नहीं कोई पर थर की मूरत नहीं, जिसको समझा जिसको समझा वही बेवफा हो गया, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया। यह बच्चे पढ़ेंगे कब? पढ़ने नहीं जाते हो ना? क्या नाम है तुम्हारा? बबली। बबली, तुम्हारा क्या नाम है? सनी। सनी है? और तुम्हारा क्या नाम है? ग्रोवर गुलशन। ग्रोवर गुलशन। अरे हाँ, तो पढ़ने क्यों नहीं जाते हो आप लोग? क्यों? घर किधर है? कहाँ? टेंगरा मोड़। तो मम्मी पापा कह दिए हैं कि जाओ ढोलक बजाओ। दिन भर में कितना पैसा मिल जाता है? 150 रुपया। ये अभी आ गई, देखो तुम्हारी दीदी है कि क्या है? ये क्या नाम है जी? मीना। तो तुम लोग बहन हो क्या? सगी बहन? सगी बहन की चाचा की लड़की है? सग बहन, सग नहीं। हाँ, ये अलग रहती है, भी अलग रहती है। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो ढोलक बजाते हैं, गाते हैं? बस हम बजाते हैं। और बच्चे? कुछ हम बजाते हैं। कुछ पढ़ने उड़ने जाते हैं? हाँ। तुम भी बजाती हो, गा लेती हो? स्कूल क्यों नहीं जाती हो? नहीं जाते। देखिए कल स्कूल खुलेगा और निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पूरे देश में प्रभावी है। हम इस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विश्वनाथ मंदिर में हैं। यहाँ टहलने आए थे, कुछ मिलने आए थे दोस्तों से, तो यह बच्चे मिल गए। 10 रुपया इनका फीस है, 10 रुपये में ढोलक बजा करके गाना गाएंगे। मम्मी पापा क्या करते हैं आप लोगों के? क्या? ढोलक बजाते हैं। हारमोनियम, ढोलक बजाते। वो लोग भी यही काम करते हैं। तो पढ़ने क्यों नहीं जाते हो आप लोग? स्कूल कितना दूर है बताओ? नहीं पता है कहाँ है? तो क्यों नहीं जाती हो पढ़ने? क्यों नहीं जाते हो जी? हमको नहीं मन जाता। देखिए दोस्त, हम लोगों का है। पहली बात तो यह है कि अब हम इन लोगों के घर भी जाएंगे, जा करके उनको समझाएंगे और बच्चों को निःशुल्क, देखो कपड़ा मिल रहा है, भोजन मिल रहा है स्कूल में। कल स्कूल खुला। हाँ सबका। हाँ सबका। जाओ तुम लोग नाम लिखाओ। क्या तुम्हारा क्या नाम है बेटा, क्या बताइयो? सनी। तो क्यों नहीं जाती हो? यही करोगी क्या? पढ़ना लिखना है, किताबें मिलेगी, कापी मिलेगी, बैग मिलेगा, जूता मिलेगा, कपड़ा मिलेगा। खराब है क्या बताओ? ठीक है ना? और तुम भी नहीं जाते हो, जाओगे ना? हम छोटा हूं। पापा का नंबर है? घर का मोबाइल नंबर कोई नहीं है? नहीं। देखिए भैया, जितना दोष सरकारों का है उससे कम दोषी हम लोग नहीं हैं और प्रकृति भी माफ़ नहीं करेगी, यह सत्य है। सबसे पहला दोषी तो मैं अपने आप को मानता हूँ, लेकिन भैया सीमाएं हैं। गाजीपुर का रहने वाला हूँ, कितना करूँगा, जितना बन पड़ेगा टोका टाकी करता रहता हूँ। आप सबसे भी चाहूँगा, आप अपने अगल बगल के घरों में देखें, मोहल्ले में देखें और लोगों को समझाएं, बताएं, बच्चों को स्कूल भेजें, नहीं तो हम सभी दोषी होंगे। जबकि 10 रुपये इनका शुल्क है, 10 रुपया में दे करके, हालांकि मैं अपराध ही कर रहा हूँ। अपराध इसलिए कि इन बच्चों को हमेशा इसकी तृष्णा बनी रहेगी और घर पर भी वो लोग काम स्कूल नहीं भेजेंगे, इनसे ऐसे ही काम कराएंगे। तो 10 रुपये तो मैं दे देता हूँ, लेकिन अब स्कूल में पढ़ना है, ठीक है? यह काम नहीं करना है, मैं घर आऊँगा। टेंगरा मोड़ किधर है बताओ? टेंगरा मोड़ नहीं, मोहचा। क्या? कहाँ है बताओ? डाफी। डाफी में? डाफी में नहीं, डाफी से ना घूमेंगे ना, घूमने को डेरा। अच्छा डेरा है, तो आप लोग नट हो क्या? नहीं, विश्वकर्मा। विश्वकर्मा हो?
भैया ये बहुत बड़ा संगठन है विश्वकर्मा लोगों का, कहाँ लोग हैं? और ठीक है, अपने समाज का ही लोग देख रहे हैं, सभी जातियों ने अपने को क्यारियों में बांट लिया है, वर्ग में बांट लिया है, सीमित मानसिकता, सभी गुलर के कीड़ों जैसा है, जो भी हो ब्रह्म समाज से लेकर के और जितने समाज हैं, मैं अपने ही समाज को कह रहा हूँ, सब आग उगलेंगे, सभी जातियों के संगठन एक दूसरे पर आग उगलेंगे। तो सबको मैं कह रहा हूँ, उनमें भी देखता हूँ, मैं पूछता हूँ, भैया दो चार दहेज बिना दहेज की शादी वादी किए हैं आप लोग, कुछ बच्चों को पढ़ाए हैं, लेकिन बस हम क्या थे और आज क्या हो गए हैं और क्या होने वाले हैं? उगलो आग और क्या, कोई और कोई काम है क्या? तो भैया इस समाज के लोग भी जो हैं वो आगे आए, अपने समाज के लिए ही काम करना है, तो अभी ठीक है, ठीक है। क्या नाम बताया अपना? गुलशन। गुलशन, और गुलशन बताओ पढ़ने नहीं जाएगा तो क्या होगा? क ख ग आता है कि नहीं तुमको? और सुनो ए बी सी डी आता है कि नहीं तुमको? देखिए भैया, यहाँ के जिलाधिकारी के जिम्मे बहुत काम होगा, यहाँ के BSA के जिम्मे भी बहुत काम होगा, लेकिन इसी का वेतन भी मिलता है। और जो वह लोग हैं जनप्रतिनिधि हैं, जो सभासद हैं, ग्राम प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं, जिला पंचायत के मेंबर हैं, सभी की जिम्मेदारी है, यदि नहीं करते हैं तो पाप के भागी होंगे। और ऐसे बच्चों को चिन्हित करके स्कूल चले हम, नारा क्या लगता है? आधी रोटी खाएंगे और स्कूल में पढ़ने जाएं। आधी रोटी क्या खाएंगे भैया? देश को आज़ाद हुए इतने दिन हो गया और अभी भी आधी रोटी खाएंगे। चलिए और कुछ जगह चलते हैं, बात करते हैं। देखिए या बच्चे वहाँ पहुँच गए हैं, चलिए मैं दिखा रहा हूँ। आदत हो गई है और आदत की परिभाषा जिसके किए बिन रहा न जाए। सबसे बड़े अपराधी इनके माँ बाप हैं, जो इन्हें भीख मांगने के लिए ढोलक एक ढोलक दे दिए हैं और इन्हें भेज दिए हैं। कल से आप लोग दिखाई अगर दोगे, ठीक है, स्कूल नहीं जाओगे तो पुलिस को बुलवा करके और जेल भेजवा दूंगा, ठीक है। गुलशन पढ़ने जाना है, नहीं सारे बच्चों को पकड़ करके और जेल भिजवाऊँगा, मम्मी पापा भी जेल जाएंगे, बता देना। हाँ बेटा, स्कूल जाना है, स्कूल में खाना मिलेगा, स्कूल में भोजन बढ़िया खिचड़ी मिलेगी, रोटी सब्जी मिलेगी, चावल दाल मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, जूता चप्पल मिलेगा, ठीक है, बैग मिलेगा खूब बढ़िया, तो जाना है ना स्कूल। चलो अब चले जाओ, चले जाओ अब घर, चले जाओ, जाओ 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 घर। ये अभी एक ड्यूटी है, कैसे समझाया जाए, प्यार भी करना है, अपने ही बच्चे हैं और इन्हें समझाना भी है, हल्का फुल्का डांट भी पिलानी है, तो और मुख्य धारा से जोड़ना है। गर्मी से तबाह होकर के लोग ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ वृक्ष हों। देखिए यहाँ इस स्थान पर मैं पहले भी आया हूँ, यह पीपल का खूबसूरत वृक्ष है, आप देख सकते हैं, और अभी पक्षियों की चहचहाहट भी आपको सुनाई देगी। एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर का विश्वनाथ मंदिर है, जिसे बिरला मंदिर भी कहा जाता है। चलिए इधर दिखा देता हूँ, यह मंदिर है जिसका गुंबद आप देख रहे हैं, और यह पक्षियाँ हैं, देखिए इधर एक चेचा है, ये देखिए इनको, यह मनपसंद आहार ढूंढ रहे हैं, यहाँ इनका अतिथि गृह भी है, गेस्ट हाउस है, देखिए इनको देख लीजिए भाई, भागिए मत थोड़ा अपना। और ये इसके फल हैं, पहले हम लोग खाते थे इसमें, ये फल है इसका, देखिए बहुत मीठा है, लेकिन इसमें कीड़े भी हो सकते हैं, यही सब पक्षियां खाती हैं, और जब भोजन नहीं मिलता था तो यही सब लोग भी खाते थे, आज समय परिवर्तित हो गया तो ऐसा नहीं है। देखिए आंवला है। धन्यवाद दोस्तों, सभी को विनम्र भाव से नमस्कार, और आप भी जहां हो जिस जगह, आप सभी की ड्यूटी है एक भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रह जाए, और माता पिता का भी धर्म है
कहा भी गया है माता शत्रु पिता बैरी, वह माता और पिता दुश्मन के समान हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। तो इस तरह से हमें नहीं करना है। कहा गया कि अगर पैसा ना हो तब कैसे पढ़ाएंगे, फिर कहा नौकरी करिए, नौकरी ना मिलती हो तब क्या करेंगे, फिर आप मेहनत मजदूरी करिए, वो अभी नहीं करने की सामर्थ्य है तब क्या करेंगे, कहा भीख मांग करके पढ़ाओ लेकिन बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजो और विद्या का दान उन्हें अवश्य मिले। तो भैया जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं होंगे तो उनसे भी हम कहेंगे कि ऐसे तमाम लोग हैं जो मदद करने के लिए तैयार हैं। अच्छा लगा, धन्यवाद।